प्रोफेसर साहब ने ये कौन सा गेंद डाल दिया था यार, प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसा। और वार्नर ने भी गेंद को छोड़ा नहीं, स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। बॉल वाइड हो या दो तीन टप्पा खाने के बाद आए, मारते ही थे। उसी तरह वार्नर ने भी मार दिया। एडम जंपा, मेरा मर्द, मेरा मर्द। फाइनली जो काम मैक्सवेल और स्मिथ ने नहीं कर पाया, वो जंपा के मर्द ने कर दिया। आपको पता नहीं है क्या जंपा और एस्टोनिस का रिलेशन? ये देख लो, इंडियंस राइट नाउ। यार इसका चेहरा तो इस सोफे से 99.99% मैच कर गया। अब कौन किसका कॉपी किया है, सोफे ने अफरीदी का या अफरीदी ने सोफे का? आप बताइए। शाहीन अफरीदी, गजब बेइज्जती है यार। मैथ्यू वेड ने इनको छक्के का हैट्रिक जड़ दिया यार। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर और जर्नलिस्ट हमारी भज्जी के साथ ट्विटर पे खूब छक्का छक्का खेल रहे थे। अब खेलो छक्कों का खेल। मैथ्यू वेड भाई, मैं क्या बोल रहा था कि मैन ऑफ द मैच हसन अली को दिलवा दे क्या? बिल्कुल भाई, डिजर्व करता है वो। आपके टीम का 12th मैन तो वही है। शोएब अख्तर की भाषा में कहे तो मैथ्यू वेड ने शाहीन शाह अफरीदी को तगड़ी फेंटी लगा दी। पाकिस्तान 2007 वर्ल्ड कप में उसी शॉट के वजह से हारा था और इस साल उसी शॉट ने सेमीफाइनल हरा दिया। मैच तो 19वें ओवर तक जाता ही नहीं अगर डेविड वार्नर बिना आउट हुए पवेलियन की ओर ना जाते। यार बैट और बॉल में इतना बड़ा गैप, फिर भी उसने कैसे अपने आप को आउट दे दिया? रिव्यू बचा हुआ था, ले लेते। रिव्यू बचा के क्या अचार बनाओगे? फाइनली दिस मेम कम्स ट्रू। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। टीवीज इन पाकिस्तान टू नाइट, मुझे क्यों तोड़ा? मैच के बाद होटल लौटने के टाइम ये सिचुएशन था। इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद शोएब अख्तर ने एक ट्वीट किया था, अल्लाह उस सर को किसी और के आगे झुकने नहीं देता जो उसके सामने झुकता है, सुभान अल्लाह। और साथ में रिजवान का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हुआ, नमाज पढ़ना भूल गए क्या? अल्लाह भगवान सिर्फ तुम्हारे पाकिस्तानियों के लिए होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया का कोई अल्लाह भगवान नहीं है?